तो रामपुर से 5-7 किलोमीटर पहले एक बार और स्टे लिया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। बज रहे हैं सुबह के 7:15। हम जाने वाले हैं एक्चुअली रामपुर, जाएंगे बाइक से अपना। तो जो है साथ में है मेरे, मान जाएगा, सो रहा है। देखो अभी दिखाऊंगा भाई। देखो सुबह हो गई, 7 बजने वाले हैं, बंदा अभी तक सो रहा है। देख लो नेस्ती, और कह रहा था कि क्या नाम है, मुझे उठा दियो सुबह ही। खड़ा हो भाई, जल्दी लेट हो जाएंगे। पहले मैं ही उठा था। ये पड़ा हुआ है सिर, मुंह हाथ धो भाई जल्दी चल, लेट हो गए काफी देर भाई। 7:15 हो गए, चल जल्दी 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 भाई। बंदा एक नई बात बता रहा है, उठ गया है वैसे, मुंह हाथ धो लिया है। क्यों कह रहा है, जितनी लेट तू जाएगा यहाँ से उतनी लेट पहुंचेगा। सो भाई अभी फाइनली रेडी हो गया हूँ मैं तो, और नाश्ता कर लेते हैं अभी। जैकेट मतलब पहन लिया क्योंकि ठंड होगी रास्ते में काफी, तो ये काम आने वाली है बहुत ज्यादा, मोटी अच्छी खासी। और फिर इसमें चैन वगैरह भी है, तो अपना मोबाइल वगैरह डाल लो कुछ सामान। बस 6 बजे से उठा हुआ हूँ, परेशान कर रखा, अभी तक रेडी नहीं है जाने के लिए। चल चल निकल, अकेला निकल। और सूरज निकल गया ना तो मैं घर चला जाऊं। एक एक चाय की सिप मार लेते हैं, बड़ा परेशान कर रखा है। लो चाय पीते हैं फिर चलते हैं। जूती वाले पहन लिए, ये रेडी है अपना। और मेरा वाला वो वाला है, उठाइए क्या कबाड़ फैला रखा है। ये वाला बैग ले लिया मैंने, इसमें सारे मतलब कपड़े वपड़े सभी इसी में रख लिए। तू भी रेडी है? मैं भी रेडी हूँ भाई। बैग वैग बंदे ने तैयार रख लिया, चल रहे चल रहे। होंडा कर रहा है सफाई गाड़ी की, स्कूटी अपनी यहीं छोड़ के जा रहे हैं, क्या करें, जरूरत नहीं है अभी। सबसे पहले पेट्रोल का स्टे ले लिया, पेट्रोल डलवाते चलेंगे। पेट्रोल के बाद हवा चेक करा लेते हैं भाई, ये चीजें बहुत जरूरी हैं क्योंकि चेक कराना, इतने लंबे रूट पे जा रहे हैं तो उससे पहले मतलब हम टायर चेक करा लें, सब कुछ तो बढ़िया है। बाद में प्रॉब्लम होती है हाईवे पे यार, क्या पता ना मिले कुछ कभी भाई। अभी दिल्ली छोड़ दिया मैं अपनी, गाजियाबाद में आ गए, और बस अभी रेड लाइट पर रुके हैं। छोड़ द ग्रीन लाइट। बरसो बरसो भागे तुम्हारी रास अब तक रहे। तो गाइस अभी रुक गए हाईवे पे थोड़ी देर के लिए। ये हेलमेट दिया है ना इन भाई, वो नीचे आ जा रहा है बार बार इसका, ये भाई इसका सही करा ले। बहुत सारा परेशान है तुम लोगों के लिए, बड़ी मेहनत करता है, जगह जगह पे रुकवाता है। पीछे देखो हरियाली, वो वाइट ट्रेन जा रही है मस्त। तो हेलमेट लगाने के बाद बाल बाल कुछ ऐसे हो गए, और दूसरा ना ये टांगे जो है ना मतलब ऐसी हो गई सुन, टांगे एकदम सुन हो गई मेरी भाई। ऐसा लगने लगा मैं थोड़ी देर रुक के थोड़ा सा मतलब रेस्ट लेंगे फिर चलेंगे। प्यास भी लग गई इतनी जल्दी, बहुत बढ़िया। सूरज बढ़िया निकल रहा है अपना, खुला एकदम आसमान। ये वाली देखो, ये वाली बढ़िया एकदम। चले फिर चाय पीने रुकना है यार एक जगह, इतना नाश्ता नहीं किया था हमने, बस वहाँ भी चाय पी थी तो अब थोड़ी सी भूख लग रही है, तो चाय वाय कुछ ले लेंगे एक जरा। चल ही रहे हैं, 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। देखिए अभी दरअसल हम हैं हापुड़ से थोड़ा सा आगे निकले हैं, मतलब 5-7 किलोमीटर। पूरी टांगे सुन हो गई, देखो ट्रेन जा रही है एकदम बढ़िया। ये इसको ऊपर करके टाइट कर दे यहाँ से, ये दिक्कत कर रहा है, बार बार नीचे गिरे जा रहा है ये, वरना जो उखाड़ के फेंक दे। एक काम कर, मैं साले को फेंक दूंगा रास्ते में, अगर ये थोड़ा सा भी मेरे मुंह पे आया ना फेंक के मारूंगा जमीन में ही। हेलमेट है ये मेरा ओरिजिनल हेलमेट, हीरो का अपनाव लगाने लगा, मुझे कबाड़ा दे दिया। ये बंदा एक नंबर का ऐसा इंसान है, या तो रुक नहीं रहा था रोड पे, रुक गया तो भाई इतनी देर हो गई, 15 मिनट हिल नहीं रहा बंदा यहाँ से। कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ, कभी इसमें जुगाड़ कर रहा है, देखो इसमें डंडी लगा के इसे टाइट कर रहा है। चलने का इरादा है नहीं है तुझे? बरसो बरसो बाद तुम्हारी रास अब तक रहे। यहाँ रुके एक जगह, अब चाय पीते हैं जरा ढाबे पे। रास्ते में बंदा रोक ही नहीं रहा था कहीं भी, इस बंदे को रोक रोक के थक गया मैं। चाय 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 बन रही है अंकल इसमें, चाय अच्छा बिरयानी बन रही है इसमें, बिरयानी खाएगा भाई। चलो पहले तो एक चाय बना दो। दो कौन सी जगह अंकल? ये नजफपुर, हम आ गए नजफपुर, चाय पीते हैं और फिर चलेंगे। ये दम बिरयानी बढ़िया बन रही है, बढ़िया वाली चिकन बिरयानी है। बैग को टांग देते हैं हम यहाँ पर, बैठते हैं कुर्सी पे जरा। तुझे क्या दिखाऊं बार बार, तू बेकार आदमी एक नंबर का, तेरा फायदा क्या है? गजब बेइज्जती है। टांगे सुनो भाई, भाई पूरे दिन बैठे बैठे, अभी तो यार कम से कम 2 घंटे का सफर और बाकी है। सुकून की जगह है ये, अभी फिलहाल चश्मा कर लिया मैंने चेंज। एक्चुअली मतलब इसमें दिखता तो है नहीं वैसे, दूर का यार नजर का चश्मा है वो, कभी कभी स्टाइल दिखाने के लिए करना पड़ता है सब। तो इसी साथ साथ में चाय आ गई है, चाय पी पीते अपनी चाय। इधर हाईवे और ये अपनी साथ में चाय। भाई एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज की मतलब लोग सोच रहे होंगे हम रामपुर जा क्यों रहे हैं, रामपुर में शादी, रिश्ते में भांजे लगते हैं, मतलब शादी तो मतलब होनी चाहिए इसकी, पर
भांजे की शादी हो रही है, मामा की शादी नहीं हो रही अभी तक। देख साले आज शाम में शादी है 17 फरवरी की, तो चाय पी ली अपनी, चले अब। तो रामपुर से 5-7 किलोमीटर पहले एक बार और इससे लिया है। मतलब तो यार क्या बताऊं, बाइक पे अनकंफर्टेबल सा फील होता है ना, जो ऐसे लेना पड़ रहा है बार बार इससे। कहाँ के जाम हो गई सारी की सारी बैठे बैठे। अब तो डायरेक्ट जाएंगे, अब नहीं रुकेंगे कहीं भी, पक्का पक्का। पता नहीं इसको क्या है, हमें तो कुछ नहीं है, हम तो एकदम सही है, फर्स्ट क्लास एकदम। भाई ये सफर करता रहता है, बाइक इसकी है भाई, ये इसको आदत है बाइक पे इतने लंबा चलने की, इस वजह से। फिर भी आ गए हम काफी टाइम से। ये बैठा रोड साइड रोमियो बैठा भाई, कह रहा आराम फरमा रहा हूँ मैं रोड पे। हेलमेट तक कहाँ डाल दिया बंदे ने, रामपुर में बादल गरजा पानी बरसाए नदियां मचली चली चली, बादल गरजा पानी लगा दिए यहाँ पर, चलते अंदर। फाइनली आ गए घर, और आते सबसे पहले मिल गई चाय, भाभी ने दे दी, थैंक यू। ये भी से बीच बंदे को चाय चाहिए बस, जहाँ भी जाएगा। और ये बच्चे देखो, इनसे मिलो, क्या नाम है तुम्हारा? और डॉक्टरेट कब किया आपने, कौन से सन में की थी? कंफ्यूज है थोड़ा लड़ना भी। मैं मिलवाता हूँ आपको टॉम बॉय से, देखो ये एक्चुअली है गर्ल, लेकिन कटिंग दिखाना जरा, कटिंग देखो तो बिल्कुल लड़के वाली कटिंग करा के आई है, पहचान में नहीं आ रही जरा सी भी है। ये तो शर्मा रही है जब से मिली है। वी गाइस फाइनली मतलब रामपुर आ गए, अब के बाद का जो शूट है मैं लूंगा बाद में, फिलहाल जो है व्लॉग करता हूँ एंड। व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसे लगी, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।